पर देखिए फ्रेंड, फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए मैं आपके लिए खास वीडियो लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, अगर आपके भी प्लांट अगर प्लास्टिक की पॉट में नहीं चलते हैं, नहीं ग्रो हो पाते हैं, तो आपको जो प्लास्टिक की पॉट में कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आपके प्लांट भी इस तरह से सारे ग्रो हो सकें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर आप देखेंगे कि मेरे छत में जितने भी मेरे ज़्यादातर प्लांट्स हैं, यानी कहेंगे 50% जो प्लांट्स हैं मेरे, इसी तरह से प्लास्टिक के पॉट में लगे हैं। और आपकी मेरी सभी प्लांट की जो ग्रोथ है वो आप देखते ही हैं, सभी मेरे जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखें, सारे जो मेरे ज़्यादातर प्लांट है इस तरह से पॉली बैग में या फिर प्लास्टिक पॉट में, सीमेंट के पॉट में बहुत ज़्यादा कम मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक तो महंगे पड़ते हैं, दूसरे उनकी वजह जो रहती है वो है वेटेज, तो छत पर वेटेज भी बढ़ती है। और प्लास्टिक के पॉट में फ्रेंड्स आप देखेंगे, देखिए जो है एक तो लाइट वेट रहते हैं और पॉली बैग भी लाइट वेट रहते हैं, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, यही रहती है कि आपके जो प्लांट्स वो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं ले पाते हैं, या फिर कहेंगे कि आप जो कुछ समय बाद है आपके सारे प्लांट हैं वो डेड हो जाते हैं। तो देखिए, आप भी जो है इस तरह से प्लास्टिक के पॉट में जो है प्लांट ग्रो कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या सावधानियाँ यहाँ पर रखनी है ताकि आप भी सारे जो प्लांट्स हैं मेरी तरह आप भी ग्रो कर पाएँ और आपकी छत का जो वजन है वो आप कम कर पाएँ। तो फ्रेंड देखिए, आ चुके हैं अपने वाले वर्किंग टेबल पे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो आपको प्लास्टिक की पॉट में प्लांट लगाना है, कैसा सॉइल मिक्सचर यूज़ करना है और क्या प्लास्टिक के प्रोडक्ट आप जो है सावधानियाँ बरत सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जो प्लास्टिक की पॉट में प्लांट्स ना चलने के कारण क्या वजह रहती है, वो ये वजह रहती है। एक तो प्लास्टिक का पॉट रहता है, इसमें जो है एयर आपकी पास आउट नहीं हो पाती है। आप अगर इसमें ड्रेनेज होल अच्छे से नहीं बनाएंगे तो आपका प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है। और सबसे बड़े जो यहाँ पे कारण रहता है वो है हीटिंग। जैसे ही प्लास्टिक पॉट में हीटिंग पड़ती है तो आपका प्लांट है वो मरने के कारण सबसे ज़्यादा प्लांट के साथ रहता है। तो आपके साथ क्या क्या करना है देखिए, तो सबसे पहले ये जो देख सकते हैं मेरे प्लास्टिक के पॉट है, इस तरह से आपको जो है प्लास्टिक के पॉट लेने हैं, ड्रम भी ले सकते हैं, या फिर आपको भी जो प्लास्टिक का जिसमें बाल्टी वगैरह है जिसमें आप लगाना चाहें प्लांट्स, वो सारे आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले देखो करना क्या है, यहाँ पर आप कुछ भी लीजिए, आपको जो है ड्रेनेज होल, आप देखिए मेरे प्लास्टिक के पॉट में इस तरह से ड्रेनेज होल आपको बनाने हैं, ताकि आपको ऐसा मत कीजिए कि आप जो इतने बड़े बड़े एक होल बना दें और इसका जो बेस है वो कमज़ोर आप कर दें। होल बनाइए, ठीक ठाक बनाइए, मीडियम टाइप के होल बनाइए और कई सारे छिद्र तरह से बनाइए ताकि जो इसका ब्लॉकेज ना इसमें मिट्टी ब्लॉकेज है वो ना रहे, ड्रेनेज होल इसमें प्रॉपर तरीके से बनाए और जो आपका पानी है वो ड्रेन आउट यहाँ पर हो सके। और उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि मेरा प्लास्टिक का पॉट है, इसमें साइड में भी मैंने तरह से यहाँ पे होल है वो यहाँ पे मैंने बनाए हैं इसी तरीके से। देखिए यहाँ पे मैंने ड्रेनेज होल ये क्यों बनाया है, आप बोलेंगे फिर इसमें से जो मिट्टी है वो बाहर यहाँ पे निकलेगी। हाँ, मिट्टी थोड़ी बहुत बाहर जरूर से निकलेगी, लेकिन जब आप एक बार प्लांट यहाँ पर लगा देंगे तो मिट्टी उसका जो है बाहर यहाँ से नहीं निकलेगी। और ये जो ड्रेनेज होल है इस प्लास्टिक के पॉट में बहुत ही बेनिफिट आपके प्लांट को देने वाले हैं, वो क्या है और ऐसी वीडियो में आपको बताऊँ। तो देखिए इस तरह से ड्रेनेज होल आपको बनाने हैं, तो ड्रेनेज होल बनाने के फ्रेंड्स आपको है तो इसके ऊपर जो है देखिए आप किसी जिस तरह से टूटे गमले रहते हैं या फिर मिट्टी के बर्तन वगैरह रहते हैं या फिर आप किसी चीज़ भी के लिए नारियल के जो छिलके रहते हैं जो उसको जो आप उसको कवर कर दीजिए। जितने यहाँ पर ड्रेनेज होल आप बनाएंगे जिस तरह से ऊपर से आप उसको कवर कर दीजिए। देखिए अभी तो मुझे कोई प्लांट पर ट्रांसप्लांट नहीं करना था, लेकिन फिर भी जो है आपको मैं आपका प्लांट जो है ट्रांसप्लांट करके दिखूँगा और बताऊँगा कि जैसे मेरे प्लास्टिक बोर्ड में मुझे प्लांट किस तरीके से चलते हैं। देखिए फिर से जितने भी मेरे ड्रेनेज होल हैं वो सारे यहाँ पे मैं कवर कर दूँगा जिस तरीके से ऊपर से। और देखिए यहाँ पे जो हमें कवर किया, जैसे कि नीचे की तली में जो रहता है तो आप कभी गत्ता वगैरह यहाँ पे मत लगाइए, जैसे कि आपने देखा हो जो कार्डबोर्ड वगैरह रहते हैं या फिर कॉपी किताब जो गत्ते रहते हैं, पेपर वगैरह रहते हैं, वो आप ना लगाएं। तो इस तरह से देखिए ड्रेनेज होल यहाँ पर मैंने कवर कर दिए सारे इस तरीके से, आपको ये कवर कर लेने हैं। और देखिए यहाँ पर जो सॉइल मिक्सचर है वो आपको कैसे यहाँ पर लेना है, तो देखिए यहाँ पर अगर आपका प्लास्टिक के पॉट में देखिए ज़्यादातर जो आप अगर इंडोर प्लांट ग्रो करेंगे तो यहाँ पे बेनिफिट जाता है, अगर आपको आउटडोर में लगाना था उसको सीखना होगा तो आउटडोर में जाकर उसको जो है रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमने जो सॉइल मिक्सचर लिया, तो देखिए पहले से सॉइल मिक्सचर लिया रेडी है, लेकिन इसको तो मैंने रेडी किया था क्या कह रहा था कि यहाँ पे मेरा दूसरा प्लास्टिक का पॉट है, तो इसी तरीके से मैं जो मिट्टी रेडी रखता हूँ, पॉट भी मैं रेडी करता हूँ। जैसे ही मैं अपने प्लांट बाय करता हूँ तो मुझे जो बार बार सॉइल है वो रेडी नहीं करनी पड़ती है, और लाते ही जो है मैं प्लांट बड़ी सेफ्टी के साथ जो है बड़ी इजी से कम टाइम जो है लगा देता हूँ। तो देखिए ये देखिए प्लास्टिक का पॉट है, और फिर देखिए आप देखेंगे तो साइड में मैंने इस तरह से ड्रेनेज होल वो यहाँ पे बना रखे हैं और नीचे की तरफ भी मैंने इसमें ड्रेनेज होल इस तरह से बना रखे हैं, तो आपको सभी प्लास्टिक के पॉट इस तरह से बना लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा ये प्लांट देखेंगे आप जो है मेरा वाटर राफ्टर का प्लांट है, और इसको देखिए प्लास्टिक के पॉट में ग्रो किया, तो आप पहले सबसे पहले जब भी जो प्लांट ट्राई करते हैं तो आप उसको डायरेक्ट इस तरह से बड़े पॉट में शिफ्ट ना करें, प्लांट छोटा रहता है, पहले आप छोटे पॉट में शिफ्ट करें, जब प्लांट आपका अच्छे से चल जाए, सर्वाइव कर जाए अभी सब प्लांटों के साथ और उसका रूट बॉल का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से हैवी बन जाए, तभी आप जो है उसको बड़े पॉट में आप रिपोर्ट कीजिए। एक तो सबसे पहले ये पॉइंट है आप पकड़ लीजिए, कभी
छोटा प्लांट हो तो आपको डायरेक्ट बड़े पॉट में नहीं लगाना है, पहले छोटे पॉट में आप ग्रो कीजिए। और देखिए प्लास्टिक पॉट में एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी रहता है कि आप जैसे सीमेंट के पॉट में ग्रो करेंगे या फिर जो मिट्टी के प्लांट में आप ग्रो करेंगे तो उससे जो प्लांट निकालने में हालत ख़राब होती है, या तो प्लांट ख़राब हो जाएगा, गुपला टूट जाएगा, इस तरह की बहुत सारी समस्या रहती है। तो प्लास्टिक के पॉट में एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ये ही रहता है क्या कि आप इससे जो प्लांट बड़े ईजिली आउट कर सकते हैं वो प्लांट को बिना डिस्टर्ब किए। देखिए आपको जो प्लांट पकड़ना है इस तरीके से और आपको उल्टा करके साइड के किसी किनारे से आप जो है टैप कर दीजिए हल्का सा, तो आपका जो प्लांट है देखेंगे बड़ी सेफ्टी पॉट पे, ये देखिए इस तरह से प्लांट है बड़ा निकल जाता आपका आसानी से तोड़ पे, ये देखिए इसके अंदर। तो देखिए इसकी कोई रूट बॉल है वो नहीं टूटी है, बिल्कुल सेफ तौर पर यहाँ पर प्लांट हमारा बाहर आ गया है। तो इसी तरह से बेनिफिट हमारे रहता है। तो चलिए पहले मैं थोड़ी नीचे यहाँ पे जो सॉइल है वो फिल कर देता हूँ, और सॉइल यहाँ पे जो फिल हमें करनी है कितनी यहाँ पे करनी है इतनी करनी है ताकि हमारा जो प्लांट है वो इसमें आसानी से इसके हाथ में फिट हो जाए। देखिए यहाँ पे जो सॉइल है तो कैसे यहाँ पे रेडी करनी है प्लास्टिक के पॉट के लिए, फ्रेंड्स जो सॉइल आपको रेडी यहाँ पे करनी है, देखिए जब भी आप जब प्लास्टिक के पॉट के लिए जब भी कोई सॉइल रेडी बनाएं तो एक तो गार्डन होनी चाहिए, तो और उसमें दूसरा आपको क्या करना है कि कोकोपीट का नहीं इस्तेमाल करना है। अगर कोकोपीट का इस्तेमाल इससे नहीं करना है फ्रेंड, देखिए इसमें जो है कोकोपीट जो है मॉइस्चर लेवल जो है वो बना के रखती है, जिसके कारण जो है मिट्टी हर समय गीली रहेगी और वही नहीं होनी चाहिए। किसी प्लांट के लिए जो बेनिफिट के लिए है कि मिट्टी की जो है समय गीलापन नहीं रहना चाहिए, और प्लास्टिक पॉट में बहुत ज़्यादा गीलापन रहता है क्योंकि इसमें जो है एयर पास नहीं हो पाती है। देखिए यहाँ पे जो हमने इस तरह से मिट्टी फिल कर ली है और इसमें जो हम यहाँ पर अपना प्लांट इस तरह से रख के देख लेंगे। तो ये देखिए हमने अपना प्लांट इस तरह से सेट कर लेना है, तो प्लांट मेरा जो है अपने पॉट के हाइट के साथ जो इसमें सेट हो चुका है, और बाकी जो हम इसको मिट्टी से यहाँ पे फिल कर देंगे, तो उसको जो है मैं पहले फिल कर दूँगा। तो मिट्टी बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, जैसे कि आप जो और यहाँ पे क्या होंगे कि कंस्ट्रक्शन सैंड है वो इस्तेमाल में ले सकते हैं, आप अगर कुछ भी नहीं मिलाते हैं डायरेक्ट जो है मिट्टी वो आप वो इस्तेमाल कर ले वो भी यहाँ पर अच्छी रहेगी, लेकिन कोको पीट जो है आप इसमें नया इस्तेमाल करें। मिट्टी को हल्का करने के लिए बहुत सारे तत्व आते हैं, जैसे कि आप कई तो राइस हस्क वगैरह जो यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन सैंड वो जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो लीव कंपोस्ट वगैरह है वो आप इसमें मिला सकते हैं ताकि आपकी जो मिट्टी है वो लाइट वेट यहाँ पर बन सके। और कभी भी जब नया प्लांट लगाते हैं फ्रेंड्स तो आप जो है उसमें किस तरीके से जाऊँगा कि खाद वगैरह मिलाने की बिल्कुल भी जल्दबाजी ना कीजिए, क्योंकि नए प्लांट को जो है खाद वगैरह की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो उसको न्यूट्रिशन वगैरह की आवश्यकता है वो उनके जो आप मिट्टी यहाँ पर दे रहे हैं उसमें से उसको मिल जाती है फिलहाल के लिए। जब आपको प्लांट अच्छे से हाइट पकड़ने लग जाए ग्रोथ करने लग जाए तो बाद में जो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं खाद। तो देखिए मैंने जो इस तरह से लगा लिया है, अब देखिए फ्रेंड्स इसमें आप वाटरिंग बाद में कर देंगे। तो देखिए आपको साइड में ड्रेनेज होल यहाँ पे देखिए अच्छे तरह से, अगर आप ड्रेनेज होल वगैरह नहीं बनाते हैं तो उसमें क्या रहेगा कि फ्रेंड्स जो एक तो पानी है वो नीचे की तरफ ही निकलेगा, इसमें एयर पास आउट नहीं हो पाएगी। और इस तरह से अगर आप साइड में ये कहूँगा कि आप होल बना लेते हैं, देखिए या तो इनका जो बेनिफिट है क्या है, आप इस प्लांट को इस जो प्लास्टिक का पॉट है उसको वहाँ भी रख सकते हैं धूप के अंदर जहाँ पे 2 से 3 घंटे की जो है सनलाइट आती है, अगर पूरा दिन रखना चाहिए तो पूरा दिन भी रख सकते हैं। अगर आपने इस तरह से साइड में ड्रेनेज होल बनाए हैं तो इससे एक तो क्या होगा, देखिए जब टेम्परेचर बढ़ता है दिन के समय, तो अगर आपने कभी देखा होगा प्लास्टिक पॉट जब कभी कोई प्लांट आप निकाल के देख लीजिए उसका रूट बॉल इतना हीटअप आपको मिलेगा, इतना गर्म मिलेगा कि आप कहेंगे अरे वाह कितना तेज़ गर्म है, तो उसमें प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा। इससे आपका जो प्लांट बढ़ने की समस्या है वो इससे ज़्यादा रहती है, और दूसरा जो है उसमें पानी नहीं सूख पाता एक वो समस्या रहती है। अगर हमने ड्रेनेज यहाँ पे होल में साइड में बनाए हैं साइड में, तो फ्रेंड इससे क्या होता है तो एयर पास हो सकेगी, उसमें जो वाटर मॉइस्चर लेवल जो बना रहता है टमा गीलापन रहता है वो यहाँ पर एयर पास होने के कारण वो यहाँ पर कम होगा। और दूसरा क्या है यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपने सनलाइट में रखा है तो जब हीट पड़ती है गमले के ऊपर तो उसमें जो गैस पैदा हो रही है यानी जो हीटअप जो बन के जो गैस बनती है वो यहाँ पे बाहर निकल सकेगी और आपका प्लांट थोड़ा सर्वाइव कर सकेगा, और जो छांव मिलेगी तो आपका जो प्लांट है वो भी यहाँ पे उसी जो रूट बॉल है जल्दी से ठंडा होगा। तो एक तो ये सबसे बड़ा इसका जो कारण है, आपको इसमें ड्रेन झोल साइड से जोर से बना के रखिए, कोई प्लास्टिक का पॉट आप उसमें थोड़े से ड्रेन झोल साइड में जोर से बनाइए ताकि आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर सकेगा। हाँ एक बार जो आप इसमें जब शुरू में इस तरह से प्लांट नया लगाते हैं या पानी डालेंगे तो साइड से हो सकते थोड़ी मिट्टी भी निकले पानी भी निकले, लेकिन बाद में जो है मिट्टी जब सख्त हो जाती है तो वो छिद्र जो है वहाँ पे उस तरह से मैं कहूँ कि कवर हो जाते हैं कि आपकी जो मिट्टी है वो भी नहीं गिरेगी और पानी भी नहीं निकलेगा। लेकिन इसका एक बेनिफिट और भी यहाँ पे रहता है कि साइड में जब ड्रेनेज होल बनाते हैं क्या रहता है, देखिए
तो बारिश वगैरह होती है आपका पॉट भर जाता है, बादल भर जाता है और प्लांट आपका बड़ा हो गया है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको भी स्टिक लीजिए और साइड्स की किनारे से आप जो है ड्रेनेज होल तक इस तरह से एक बार नीचे प्रेस कर दीजिए, तो जो रास्ता ब्लॉकेज है वो वहाँ से खुल जाएगी और गमले में जितना पानी बाहर जमा होगा वो साइड के इस होल से बाहर निकल जाएगा और आपको जुट नहीं पड़ेगी कि उसका नीचे ड्रेनेज जो है वो ब्लॉक हो चुका है या नहीं हो चुका है। आप इस तरह से जो पानी है वो भी बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कई सारे बेनिफिट्स हैं इस तरह से साइड में ड्रेनेज होल बनाने के, तो आपको ड्रेनेज होल साइड में जोर से बनाना है और ये काम एक बार करके देखिए, तो फिर देखिए फ्रेंड्स आपका जो प्लांट है सर्वाइव करता है नहीं करता है, कितने परसेंट जो है मेरी आपकी ये वीडियो देखने के बाद जो है आपको मतलब कैसी है वीडियो लगी है, तो एक कमेंट सेक्शन में बहुत जरूर बताइए। और आपने अगर ये काम किया है ऐसे करने के बाद आपका जो प्लांट का सक्सेस रेट है वो कितना यहाँ पर बढ़ा है, मेरी वीडियो बनाने का आपका बेनिफिट मिला है नहीं मिला है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की राय अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके और मैं आपके लिए इसी तरह से और भी अच्छे से सारी वीडियोज़ है वो लेके आता रहूँ और अपने सारी ट्रिक्स हैं वो आपके साथ मैं धीरे धीरे इस तरह से शेयर करता रहूँगा ताकि आप भी मेरी तरह इसी तरह से गार्डन बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करना भूलिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।